ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने लिखा कि श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर आज हो रही प्रभु श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पीढ़ियों का संघर्ष और सदियों का संकल्प पूरा हुआ है। इस अवसर पर योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और साथ ही राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि और साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है और संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर राममय हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया और साथ ही गोरक्षनाथ मठ क्या की भी अहम भूमिका रही है और राम मंदिर के संघर्ष में, तो उसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर राममय हो गया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे के बाद में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या और उसके बाद में अयोध्या धाम के लिए रवाना होंगे और साथ ही इस बीच उनके कुछ आयोजन भी होने हैं और 12:05 का वक्त है शुभ मुहूर्त जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो जाएगी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे और एक दिन पहले ही पहुंचकर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया, साथ ही निरीक्षण भी किया। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भव्य तरीके से रामनगरी को सजाया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। 10:25 पर पहुंचने का कार्यक्रम, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम पहुंचेंगे जिसके बाद में 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 12:05 से जो शुभ मुहूर्त शुरू होगा वो 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं। हर तरफ आपको पूरा जो माहौल है वो राममय नजर आएगा, लोग उत्साहित और साथ ही खुश नजर आ रहे हैं।